कमलनाथ मंगलवार को जबलपुर पहुंचे, उन्होंने नर्मदा गोकुंभ के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भारत की पहचान उनकी आध्यात्म शक्ति की वजह से है, अपने मूल्यों से नहीं है। जरूरत इस बात की है कि नई पीढ़ी को इस आध्यात्म शक्ति से जोड़ने में उन्हें सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जानकारी दे, और संत समाज जब अपने प्रवचन दे तब नई पीढ़ी को इस आध्यात्म शक्ति से जोड़ने का प्रयास करे, जिसकी नई पीढ़ी सांस्कृतिक से दूर न होने से बच सके। इस दौरान उन्होंने देश भर से आए संत महात्माओं का स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जबलपुर 24 फरवरी में आयोजित किए गए नर्मदा गोकुंभ का मंगलवार को समापन हुआ है। महामंडलेश्वर स्वामी श्याम देवाचार्य महाराज के सान्निध्य में आयोजित छठे नर्मदा कुंभ के मुख्य यजमान प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत थे। इस कुंभ में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से धर्माचार्य आए और उन्होंने संत समागम में हिस्सा लिया। शाम ढलने के बाद समापन समारोह में बोलते हुए प्रदेश वित्त मंत्री तरुण भनोत ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मांग की है कि नर्मदा को प्रदूषण से बचाने के लिए नर्मदा के तटों को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए, जिससे नर्मदा के पास पवित्र जल व्या पवित्र माहौल बन सके। इस दौरान उन्होंने जनता को याद दिलाया कि कमलनाथ सरकार अपने वचन पत्र के अनुसार प्रदेश के सभी तीर्थ क्षेत्रों को विकसित कर रही है। गौकुंभ आयोजन समिति गीता धाम बारीघाट की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अभिनंदन पत्र सौंपा जा रहा है। अभिनंदन पत्र माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, आपके अद्भुत नेतृत्व क्षमता, परिश्रम, समाज सेवा और समर्पण से प्रदेश के विकास को एक नई दिशा और गति मिली है। आपकी कर्मठता से। जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।